नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। एक और जहां सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने धमकी दी, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली की पुलिस ने मैक्सिको से गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की टीम ने FBI की मदद से दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली पुलिस की कई टीम मैक्सिको में है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने ही दीपक बॉक्सर को भारत से फरार होने में मदद की थी। दीपक को 1 से 2 दिन में भारत लाया जा सकता है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली स्थित सिविल लाइन इलाके में हुई बिल्डिंग की जो हत्या थी वांछित, उसमें पाया गया था दोषी और इसी मामले में तलाश कर रही थी पुलिस। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली NCR का टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र योगी की जान लेने के मामले में भी आरोपी सिद्ध हुआ था। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि दीपक पर 3 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था दिल्ली की पुलिस के द्वारा।